अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंस्टेंट वाइटनिंग फेस मास्क। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे, उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और इसके दिखाएंगे आपको रिजल्ट। तो अब बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बड़े साइज का आलू ले लिया मैंने और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना, अपने ऊपर से छिलका नहीं उतारना इसका। और इसको हम कर लेंगे इस तरह से कद्दूकस कर ले, नहीं तो आप इसको काफ़ी बारीक बारीक सा भी काट सकते हैं, जो आपको इजी लग रहा है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि अभी से ही नीचे नीचे ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका स्टार्च है, ये नीचे बैठना शुरू हो गया है। इसको आपने 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। इसे जो है किसी अलग से बाउल में निकाल देंगे, बड़े आराम से निकालना है। अभी देखिए मैंने एक बड़े साइज का लिया था आलू, तो उसका ये इतना सा जो है निकला है। ठीक है, पानी जो है हम साइड पर रख देंगे, इसको हम फेंक देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसको जो है हमने निकाल लेना है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखें, इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम निकाल लेंगे प्याली में। ठीक है, एक चाय का चम्मच हमने फ्रेश एलोवेरा जेल लेनी है। फ्रेश अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी भी कोई भी ले सकते हैं। एक चाय का चम्मच रोज़ वाटर, 2 चाय के चम्मच भर के रोज़ वाटर, और कोई भी आप सीरम ले सकते, सीरम नहीं, आप कोई भी विटामिन का कैप्सूल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 टीस्पून जो है बेसन के ऐड कर देंगे, 1 चुटकी बराबर हल्दी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे कि हमें और बेसन बनाया करें, बहुत है। जी तो मास्क हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखें इतना तकरीबन हमें थिक चाहिए। और आप इसको बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं। ठीक है, फ्रिज में अपनी किसी एयर टाइट जार में इसको डाल दें और इसको आप रख सकते हैं 1 वीक के लिए। मास्क जो है हमारा रेडी है, तो हमने कर लिया था फेस को अच्छे से वॉश। फेस आपने अपना अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद बाल जो है बांध ले, बालों पर लगेगा तो खराब होंगे बाल। तो अब हम इसको लगाते हैं अपनी स्किन पे। इसको हमने वो नहीं करना है, थिक नहीं बनाना बिल्कुल भी, बहुत पतली पतली सी इसकी लेयर हम अपने मुँह पे लगाएंगे, बहुत पतली सी लेयर इसकी हम अपने फेस पे लगा लेंगे। जो बच जाए आपका उसको आप ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं, सेव करके 1 दिन बाद आप लगा सकते हैं। डेली आपने नहीं लगाना, ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप ये वाला मास्क लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट्स हैं आप इसको वहाँ पे यूज़ करें, नेक पे लगाएं अपने। मैं आपको नेक पे अभी नहीं लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, फ़ोन में देख रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है लगाना इसको। अपने आंखों के ऊपर भी आप लगाएं इसको अच्छे से। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एकदम से ही इतनी ब्राइट स्किन देगा। हम इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा इस मास्क को अप्लाई करें तो हमें जो है ब्लीच करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बाय बाय, बच्चों ने बहुत तंग किया होता है। हाँ जी, तो फेस पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। इसके अलावा आप अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा हमारी स्किन इधर से ब्लैक हुई हुई है, वहाँ पे आपके डार्क स्पॉट्स हैं, आप इधर वहाँ पे इसको अप्लाई करें। 20 मिनट तक के लिए आपने इसको अपने फेस पर लगाना है। 20 मिनट के बाद इसको हल्के हाथ से मसाज करके वॉश कर लेना है। अब जो है हम 20 मिनट के बाद अपना फेस वॉश करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसके रिजल्ट्स।
हो चुके हैं मास्क को लगाए हुए, तो इसको हम अब हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे मसाज, बहुत हमने अपने फेस को रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से जो है इसका मसाज करेंगे। वीडियो में मैं आप लोगों को इसलिए करके दिखा रही हूँ कि बस सामने सामने हो जो भी हो। बहुत मुश्किल हो रहा है ऐसे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने सारा मसाज किया अपने फेस का और आप लोगों के सामने इसको रिमूव किया है। इसका रिजल्ट देख सकते हैं, लाइव है बिल्कुल, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। हमेशा की तरह वीडियो में बताऊंगी कि हमेशा वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो कि वाकई में ही फ़ायदेमंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो है, मैं अपने चैनल पर जो वीडियो बना रही हूँ वो बिल्कुल रियल हो, ना कुछ फेक नहीं होना चाहिए। हम ट्राई कर लेते हैं उसे फेस वॉश करने के बाद का रिजल्ट आप लोगों ने देखा है। अब हमने मैंने कर लिया अपना फेस ड्राई, तो आई होप आप लोगों को मास्क जो है ये आया होगा पसंद। के अलावा आइस क्यूब का इस्तेमाल अपनी स्किन पे लाजमी करें, चाहे तो डेली अपनी स्किन पे 2 मिनट का मसाज लाजमी किया करें। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि अपनी स्किन पे आइस क्यूब का मसाज लाजमी किया करें, इससे तो आपकी स्किन जो है वो स्किन टाइट होती है, रिंकल्स ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को ये मास्क पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।